फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स क्लास 12 के गणित चैप्टर अभ्यू से तीन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2019 में भी आया था और जिस पर एनसीईआरटी लिखा है ना, हर साल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको पहुंचता रहे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि यदि ए बराबर अभी दिया है 2, 4, 3, 2 तथा बी बराबर दे रखा है 1, 3, -2 और 5, ठीक है, तो बी इंटू ए यानी कि बी और गुणे ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा, लेकिन अगर तो इसको रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। देखिए ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, पूछा है कि बी इंटू ए निकालिए, तो सिंपल है, इससे थोड़ा आगे चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन तीसरा, तो इससे भी थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए ए बराबर क्या दिया है इसमें, ए बराबर दे रखा है इसमें 2, 4, 3, 2, ठीक है ना, ये हमारा ए हो गया। और ये हमारा बी, देखिए क्या दिया है, बी इज इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है 1, 3, -2 और 5, ठीक है ना, ये हमारा दे रखा है अभी, ठीक है, तो b इंटू ए निकालना है, b इंटू ए, तो b और इंटू ए, तो b इंटू ए कर लेते हैं, तो b का वैल्यू कितना है जी, यहाँ पर डायरेक्टली रख लेते हैं, तो डायरेक्टली 1, 3, -2 और 5, ठीक है, और यहाँ पर इंटू के रूप में है, तो इंटू के जगह पे गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको लिखते हैं a, a की वैल्यू कितना है 2, 4 और 3, 2, यानी कि इतना दे रखा है, ठीक है। अब हमें सिंपल गुणा करना है इसमें, देखिए ये पंक्ति का लाता है, इस तरह चलेंगे तो ये हमारा पंक्ति हो जाएगा, ठीक है ना, और ये इसमें स्तंभ, तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि पंक्ति से स्तंभ में गुणा करते हैं, और जब स्तंभ से गुणा करेंगे तो इसमें पंक्ति से करेंगे, तो हम पंक्ति से गुणा करा रहे हैं स्तंभ में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक से गुणा करेंगे दो में, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे एक में दो से करेंगे तो दो हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे, अब इसके बाद प्लस लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस, अब तीन से गुणा करेंगे तीन में, तो तीन के नौ हो जाएगा, ठीक है ना, अब इसके बाद अब इसी से करेंगे, अब इसमें, ठीक है ना, इसमें करेंगे, तो अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एक में चार से करेंगे तो चार ही होगा, प्लस, अब देखिए तीन में दो से, तीन दुनी के छः, ठीक है, अब इससे हम लोग इससे कर लिए, इससे और इसमें दोनों में कर लिए, अब इससे करना है, इससे करेंगे नीचे वाला से, अब इसमें फिर तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस दो में दो से करेंगे माइनस दो दुनी के चार, तो कितना हो जाएगा माइनस चार हो जाएगा, प्लस बीच में पांच से करेंगे पंक्तियां का 15, ठीक है ना, आप देखिए इसमें लिखेंगे, अब माइनस दो से करेंगे चार में, तो दो चार दुनी के आठ यानी कि माइनस आठ हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस आठ और प्लस बीच में लगाते हैं, अब देखिए पांच से करेंगे दो में, पांच दुनी के 10, ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लिया इसको, ठीक है, अब इसको हल करेंगे, नौ दो कितना होगा 11, ठीक है ना, चार गो अच्छे कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना कर ले, अब देखिए 15 में से चार घटा देंगे कितना होगा 11 होगा, ठीक है, आप देखिए 10 में से 8 गया कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हमारा आ गया b इंटू ए का वैल्यू, यानी b इंटू ए की वैल्यू हमारा निकल गया, इतना ही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर साल, ऐसे ही करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दो नंबर। देखिए फ्रेंड्स, हर साल ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लिखा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, और लिखा है x प्लस वाई वाई प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है 9, 5, 7। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड ये सारे हमारे क्या है अभी है, और ये इनके अवयव है, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का अवयव 9 दिया है, x प्लस वाई का अवयव 5 दिया है, और y का वाई प्लस जेड का अवयव 7 दिया है, तो कहा है कि तो x y तथा z की मान ज्ञात कीजिए, जो कि 2018 में 17 में 16 में ऐसे करके एनसीईआरटी जिस पर लिखा है ना, समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में वो आया हुआ है, और हो सकता है कि 2020 का बोर्ड एग्जाम या आने वाले फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
तो चलिए इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूं कि हम जानते हैं कि यदि दिए गए अवयव बराबर हैं, यदि दिए गए अवयव जो हैं बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पहले क्या करते हैं, एक्स देखिए यहां पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू नौ, लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू नौ लिख लेंगे, और इसको समीकरण यहां पर बना लेते हैं, समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई इजकल टू पांच, एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या लिख लेते हैं, समीकरण नंबर दो, और यहां पर पांच दिया है ना तो पांच। ठीक है, अब वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इजकल टू सेवन यानी कि सात, और समीकरण इसको तीन मान लेते हैं। अब देखिए हमें तो किसी तरह से एक्स और वाई और जेड की वैल्यू ही निकालना है, तो देखते हैं इसमें समीकरण के अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, समीकरण दो को समीकरण एक में मान रखकर भी कर सकते हैं या सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया जी, पांच, तो इसके जगह पे हम पांच को भी रख के और जेड की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, एक्स प्लस वाई दिया है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं कि समीकरण एक में दो को रखने पर ठीक है ना गाइज। तो यहां पर x प्लस वाई जो लिखा है, तो यहां पर x प्लस वाई की जगह पे हम पांच रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं। तो पांच अब प्लस जेड है ना, केवल जेड इजकल टू नाइन, तो अब देखिए जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड इजकल टू नौ पहले से है और इधर है तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस पांच हो जाएगा, तो जेड इजकल टू कितना होगा, नौ माइनस पांच यानी कि चार, यानी हमें मालूम चल गया कि जेड की वैल्यू कितना है, चार आ गया। ठीक है, अब जेड की वैल्यू निकल गई, अब हमें एक्स की और वाई की केवल निकालनी है। तो देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इसमें है ना, तो आप देखिए वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इसके जगह पर हम इसको रख सकते हैं, समीकरण एक में तीन को रखेंगे, समीकरण एक में तीन को रखने पर, ऐसे भी रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रखिए देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वाई प्लस जेड इसमें है तो इसके जगह पे सात रख सकते हैं, तो एक्स लिखेंगे पहले, एक्स प्लस सात और इजकल टू नौ, है ना। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमें निकल जाएगा, एक्स इजकल टू नौ पहले से उधर है और सात उधर जाएगा तो माइनस सात हो जाएगा, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, दो। तो ये हमारा आ गया एक्स की वैल्यू, ये आ गया जेड की वैल्यू, अब निकालना है केवल वाई की वैल्यू, तो वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, तो देखिए वाई प्लस जेड हो गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल गई, अब हमें केवल निकालनी है किसकी, तो वाई की। तो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू चार है, कितना है नहीं दो, और वाई की वैल्यू कितना, जेड की वैल्यू चार है, तो इसको मान रखते हैं, समीकरण एक में रख लेंगे। देखिए यहाँ एक्स की जगह पर कितना रख लेते हैं, दो रख लेंगे, तो यहाँ पर दो लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए वाई, वाई की जगह तो हमें निकालना है तो वाई लिख लेंगे, और प्लस जेड, जेड यहाँ पर है ना, तो जेड की जगह पे कितना रख लेते हैं, चार, यहाँ पर चार रख लेंगे, इसकल टू नौ है तो नौ लिख लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, चार दो कितना हो जाएगा, छः, प्लस वाई इसकल टू नौ। अब देखिए वाई इसकल टू नौ के उधर करेंगे छः को तो कितना हो जाएगा, छः, तो वाई इसकल टू तीन आ जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू सबका निकल गया कि नहीं, एक्स की वैल्यू आ गई दो और वाई की वैल्यू आ गई हमारी तीन और जेड की वैल्यू आ गई हमारी चार। तो ये हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। तो अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन तीसरा, यदि लिखा है अभी दो एक्स और तीन, फिर लिखा है इंटू एक दो माइनस तीन जीरो, फिर इंटू एक्स और आठ और इजकल टू जीरो। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, मतलब कि जीरो रखनी है। ठीक है, अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू को निकालनी है इस पर, तो चलिए दिया है इतना, तो इसको पहले देखिए इसको नीचे उतार लेता हूं, टू एक्स थ्री। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या दिया इसमें, एक माइनस तीन दो, ठीक है जीरो, इसको क्लोज कर लेता हूं। फिर दिया इसमें एक्स और आठ, ठीक है इजकल टू जीरो।
तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। यह हमारा पंक्ति हो गया, पंक्ति ये हो गया और ये स्तंभ हो गया। इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं गुणा इसमें इससे। तो देखिए पहला जो लेते हैं इसमें चिन्ह वो प्लस लेते हैं, और दूसरा पर लेते हैं जो ऋणात्मक लेते हैं। तो 2x में एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 में x से करेंगे तो 2x, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए माइनस चिन्ह लेंगे, 3 में करेंगे 3 से तो 3×3=9, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो -9। अब देखिए प्लस से -9, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है इसके बाद। अब तो इससे कर ले इसमें, अब इसमें करना है ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 2x में 2 से करेंगे तो 2×2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 3 में 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0, तो छोड़ दीजिए इसको, 0 लिखने से कोई फायदा नहीं, इसको सीधे आप लिख लेते हैं ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना पहले इससे इसमें कर लिए गुणा तो इतना लिख लिए, फिर इससे करेंगे अब इसमें तो 2×2=4x तो 4x, 3 में 0 से करेंगे 3 तो इसको घटाएंगे तो कुछ फायदा नहीं, बस उतना लिख लेते हैं। और ये जो हमारा इधर बचा है x और 8, इसको नोट कर लेंगे ठीक है। अब इसके बाद इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ठीक है, 2 में x है ना, तो 2 में x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा ठीक है। इसमें इससे कर रहे हैं तो 2x² प्लस माइनस 9, 9 में x करेंगे तो क्या होगा तो 9x हो जाएगा ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए 32, 9×9=36, और फिर इसको कर देंगे इसमें तो 32, यानी कि 32x डायरेक्टली हम कर रहे हैं ठीक है ना। आप ही इसको कर लेंगे, देखिए अब इसको हम 32x कर लिए तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 रख लेंगे ठीक है। ये 8 है हमारा, 8×32, इसको वो लिखे हैं ठीक है, इसमें इससे किया गुणा ठीक है। तो ये 8×32 है। अब देखिए इसमें हम सिंपल से क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या मिल रहा है तो 2x² पहले लिख लेते हैं, और प्लस यहाँ पर 23 कर लेते हैं घटाकर, 32x में से 9 घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23x = 0 ठीक है। अब इसमें कॉमन तो मिल ही जाएगा x, तो x लिख लेते हैं और 2x बचेगा प्लस 23 बचेगा ठीक है, और = 0 हो जाएगा। तो x = कर लेंगे तो ये x = 0 ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर x एक तरफ से लिखें तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, इस x की x = करें तो 23 और माइनस में हो जाएगा, ये तो उधर जाएगा तो -23 और बटे में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू, यहाँ पर x = -23 और बटे में 2, इसका आंसर ये हो गया ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।